हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ओल्ड बैंगल्स की हेल्प से एक हैंगिंग बनाने वाले हैं। तो वूल हमने यहाँ पे लेना है और बैंगल लेनी है। तो एक बैंगल मैंने लिया, येलो कलर का वूल लिया, डबल करके हमने वूल को लिया है और इस तरीके से नॉट लगा देनी है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा ली और अब ये क्योंकि हमारी डबल लेयर बन गई है तो इसलिए और इजीली हमारी यहाँ पे ये रैप हो जाएगी। इसको हमने फुल बैंगल पे इस तरीके से रैप करना है, बीच बीच में ग्लू लगाते जाएं और इस तरीके से इसको सर्कल में रैप करते जाएं। अब हमारे पास ओल्ड बैंगल्स तो बहुत ईजिली मिली जाती हैं और वूल भी ईजिली अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की हेल्प से आप एक क्यूट सी ब्यूटीफुल सी हैंगिंग जो है दिवाली के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी करिए। और इस तरीके से देखिए हमने फुल हमारी जो बैंगल है उसको कवर कर लेना है। इस तरीके से फुल लेंथ में हम यहाँ पर अपने बैंगल को कवर कर लेंगे और फिर लास्ट में भी हम जो है वो नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से एक नॉट लगा लेनी है और आप चाहें तो ग्लू की हेल्प से भी यहाँ पे इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी शेप जो है वो बनी है। अब हम इसको इस तरीके से रैप करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रैप करना है। सॉर्ट ऑफ कुछ कुछ स्टार जैसी शेप जो है मैं बना रही हूँ, एग्जैक्ट स्टार नहीं है, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो। और इस तरीके से हमने रैप करना है। तो ये हमने रैप कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे नॉट लगा लूंगी। तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा ली और नॉट लगा के हम ये अपनी जो एक्सेस वूल हमारी बच गई है इसको हम कट कर देंगे। अगेन मैं यहाँ पे दोबारे से और सेफ्टी के लिए और नॉट्स लगा दे रही हूँ ताकि हमारी कट करने के बाद कहीं पे ओपन ना हो जाए। तो ये हमारी शेप रेडी है। अब मैंने दो बैंगल्स को एक रेड और एक ग्रीन कलर की वूल में रैप कर लिया है, बस मैंने सेंटर का डिज़ाइन नहीं बनाया है और इस तरीके से हमने रैप कर लिया है दो बैंगल्स और टोटल तीन बैंगल हमको चाहिए। तो इस तरीके से हम अब क्या करेंगे, आपस में इनको टाई करेंगे। तो यहाँ येलो और रेड बैंगल को मैं येलो कलर की वूल से टाई कर रही हूँ। तो आपस में 2-3 टाइम्स मैं यहाँ पर रैप करूँगी और फिर उसको मैं नॉट लगाऊंगी। तो अच्छे से होल्ड बना रहे उसका, इसलिए मैंने उसको 2-3 टाइम्स रैप किया है। 3-4 टाइम्स इनफैक्ट आपको रैप करना है, अच्छे से नॉट लगानी है, एक्सेस वूल को कट कर देना है। अब इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड में ग्रीन कलर की वूल ली है और इसकी हेल्प से मैं इसको टाई करने वाली हूँ। तो वो हमारा सेंटर का पीस है जिसमें हमने सेंटर की स्टार की शेप बनाई है और दोनों साइड में हमने एक ग्रीन और एक रेड कलर की वूल यूज़ की है। आप ऑब्वियसली अपने चॉइस के कलर्स यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से हम इसको रैप करेंगे, 3-4 टाइम्स रैप करेंगे ताकि होल्ड स्ट्रॉन्ग रहे और फिर हम उसको अच्छे से नॉट लगाएंगे 3-4 टाइम्स एंड देन हम एक्सेस वूल को अपनी कट कर देंगे। तो कुछ कुछ हमारी जो है वो ये शेप जो है ऑलमोस्ट रेडी है। तो देखिए ये हमारी जो शेप है वो एकदम रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे। ऐसे क्लोज करके एक और हम वूल का स्ट्रिप लेंगे लॉन्ग सा, क्योंकि हम इसको हैंग करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम नॉट्स लगा देंगे, 2-3 नॉट्स अच्छे से लगाएंगे और इसको हम सेंटर में हम अपनी टी लाइट रख सकते हैं। इस तरीके से आप जो टी लाइट आती है आप ऑन करके रखें और इसको आप हैंग कर सकते हैं। तो आप इसको घर के बाहर बालकनी में या घर के अंदर भी हैंग कर सकते हो। बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर सी हमारी ये हैंगिंग जो है वो बनती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक बना के दिखाई है, आप ऐसे 4-5 बना के हैंग करेंगे तो लुक जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।